पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवानों के शहीद होने के बाद पूरा देश गम में डूबा है। देश के नौजवानों में गुस्सा उबाल मार रहा है। मुल्क के हर कोने से बस एक ही आवाज आ रही है, बदला लो सरकार, बदला लो सरकार। दिलों में गम, हाथों में तिरंगा और चेहरे पे गुस्सा लेकर घर से निकले लोगों की जुबान पर बस एक ही रट, हमें हमारे शहीदों के शहादत का बदला चाहिए। 40 जवानों के बदले 400 सिर चाहिए। भाई आज हम में आक्रोश इतना है कि भारत के जवान जो आज सन 2000 से लेकर और 2019 तक इतना बड़ा कांड हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी से हम निवेदन करते हैं इसका जवाब दें, युद्ध से दें, ताकत से दें। हम तन मन धन कर से तैयार है प्रधानमंत्री जी के साथ। हम उनसे कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिस तरीके से अमेरिका ने खींच कर घर में घुसकर लादिन को मारा, ऐसे जैसे मोहम्मद को पाकिस्तान में घुसकर मारेगा तभी हमारे कलेजे को और उनकी संतुष्टि को तभी चैन मिलेगा। सीआरपीएफ जवानों पर आतंकवादी हमले के बाद आक्रोश की ज्वाला में जल रही देश की जनता हर तरफ पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंक रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से पूरा आसमान गूंज रहा है। कैंडल मार्च निकालते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सब यही कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक तो खबर थी कि पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तानियों को मार दिया, मतलब जब जवान शहीद हो गए तब सुबह तक ये खबर होनी चाहिए कि हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कैंडल मार्च हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं, हमारे जवान वहाँ पे शहीद हुए हैं, हम लोग उनको पाकिस्तान वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों ने भी अपने गम को भुलाकर बदले की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट देते हुए कह दिया कि कब, कैसे, क्या करना है इसके लिए सेना को खुली छूट है। जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। साल के खूनी इतिहास में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ यह आत्मघाती हमला सबसे बड़ी घटना है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए हैं। देश का फर्ज निभाते हुए भारत माता के इन लालों को कायरों ने धोखे से आतंक की आग में जला दिया। हमारा लड़का जो ना शहीद हो गया, हमारे लड़का के हमारे दुइया लड़का था, एक लड़का हमारा, वही सारा हमारे घर का खर्चा देख रहा था। अब हमारे लोग का कौन खर्चा हुई, हमारा एक बेटा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी इसके पहले एक दो साल पहले हमला हो चुका था वहाँ पे, वो भी 3-4 बजे के बीच में ही हुआ था, बस में थे तो कंडक्टर वगैरह सब मारे गए और ये लोग मतलब बच गए थे। तो पिता के दोनों हाथ बेटे के सिर से छाया, माँ का आंचल, पत्नी का सिंदूर छोड़कर अपनी ड्यूटी निभाते हुए सीआरपीएफ के इन जवानों ने भारत पर अपनी जान निछावर कर दी, जिसे देखते हुए जनता ये कहती नजर आ रही है कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, शहीदों की शहादत का अब तो बदला लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।